राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर विहिप कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर दीप जलाकर तथा आतिशबाजी कर अपने खुशियों का इजहार किया, जिसके संबंध में विहिप कार्यकर्ता संजय कुमार ने बताया कि भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का 500 वर्षों से जनता इंतजार कर रही थी, जो कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भूमि पूजन करके सफल किया गया। इस मंदिर निर्माण की खुशियां पूरा हिंदू समाज ही नहीं बल्कि देश मना रहा है। मंदिर निर्माण से पूरे समाज का कल्याण होगा। इस मौके पर तमाम विहिप कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विहिप कार्यकर्ता संजय कुमार ने कहा, मेरा नाम संजय कुमार। भगवान राम की जन्मभूमि पर 500 वर्षों से जो जनता इंतजार कर रही थी मानव समाज के कल्याण के लिए जो मंदिर बनना है, ये हिंदू मात्र के कल्याण के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए यह मंदिर आज बनना शुरू हो गया। और भगवान की कृपा से ये राम मंदिर बन करके पूरी मानवता की रक्षा के लिए यह प्रतीक होगा और पूरा मानवता इससे सुख संपन्नता और हर प्रकार की खुशी का अनुभव करेगा। मैं समझता हूँ कि आज से पूरे हिंदू समाज का ही नहीं बल्कि पूरे मानव का कल्याण के लिए आज नींव रखा गया है। यह राम मंदिर का नींव, ये मंदिर का नींव नहीं बल्कि पूरे समाज के निर्माण का नींव है। आज के अवसर पर मेरा इतना ही कहना है। कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है, पूरा समाज खुश है और हर व्यक्ति इससे आह्लादित है कि सब प्रकार के विवाद, आपस के तनाव, सब चीज़ दूर हो गया और सब खुशी के साथ आज मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं।